अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पुलिस की रडार पर एक और पंडित। प्रयागराज में पंडित नेता पर शिकंजा कसने की तैयारी। पुलिस ने खंगालना शुरू किया आरोपी का इतिहास। योगी सरकार के इस फैसले से फिर खफा पंडित। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को बताया ब्राह्मण विरोधी। कानपुर के विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक तरफ जहां प्रदेश के पंडित बीजेपी से खफा दिख रहे हैं, वहीं बीजेपी एक बार फिर पंडितों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है और अब प्रयागराज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पंडित के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिससे प्रदेश के ब्राह्मणों में फिर से गुस्सा पनपता दिखाई दे रहा है। योगी की पुलिस को आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया गया है और पुलिस ने भी आरोपी की पूरी कुंडली खंगाल ली है। सरकार के सख्त आदेश पर पुलिस प्रयागराज के यमुना पार इलाके के नैनीचक्का के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। SSP प्रयागराज अभिषेक दीक्षित के आदेश पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा का गैंग भी पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है। पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा और उसके अन्य दो साथियों दिलीप मिश्रा और विजय तिवारी के साथ ही D44 नाम से गैंग को रजिस्टर किया है। दिलीप मिश्रा की हिस्ट्री शीट 25A है और उसके खिलाफ लूट, हत्या, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लोगों को डरा धमका कर जमीन पर कब्जा करने के गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस गैंग रजिस्टर करने के साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख की जन्म कुंडली यानी डोजियर भी तैयार कर लिया गया है। डोजियर के आधार पर पुलिस दिलीप मिश्रा की अपराध से अर्जित संपत्तियों का पता लगाने में जुट गई है, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने की पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही दिलीप मिश्रा, उसके परिजनों, रिश्तेदारों और साथियों के शस्त्र लाइसेंस का भी पुलिस चिन्हीकरण कर रही है, ताकि इन लाइसेंस को निरस्त किया जा सके। पुलिस को द्वारा तैयार कराई गई डोजियर के मुताबिक दिलीप मिश्रा पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता पर रिमोट बम से 2010 में कराए गए जानलेवा हमले समेत कुल 46 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें प्रयागराज जिले के अलग अलग थानों के साथ ही महाराष्ट्र में भी एक मुकदमा दर्ज है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के नाम रिवॉल्वर, डबल बैरल और राइफल के 3 लाइसेंस स्वीकृत हैं, जिनमें से रिवॉल्वर का लाइसेंस 2010 में ही निलंबित किया जा चुका है, जबकि डबल बैरल और राइफल का लाइसेंस भी 2016 में निलंबित किया गया है। तीनों लाइसेंसों के निरस्तीकरण का मामला DM प्रयागराज के पास विचाराधीन है। 8वीं कक्षा तक पढ़े दिलीप मिश्रा ने 90 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा था, जिसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अपराध के साथ ही राजनीति का शौक रखने वाले दिलीप मिश्रा का जल्द ही यमुना पार इलाके में आतंक हो गया। उसने अपनी दबंग छवि के आधार पर न केवल करोड़ों की बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की, बल्कि चाका का ब्लॉक प्रमुख भी बना। लेकिन 12 जुलाई 2010 को कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता पर रिमोट बम से जानलेवा हमले में नाम आने के बाद दिलीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि उसके बाद उसे इस मामले में जमानत भी मिल गई थी, लेकिन इसी साल 29 मई को औद्योगिक थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिलीप मिश्रा पर नैनी के 2 लोगों की हत्या की सुपारी देने का आरोप है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिलीप मिश्रा को जेल भेज दिया। तभी से पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। लेकिन पुलिस अब पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के गैंग को रजिस्टर कर उसके अन्य साथियों का पता लगाने में जुट गई है, ताकि जेल में बंद दिलीप मिश्रा को कमजोर करने के लिए उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। SSP के मुताबिक दिलीप मिश्रा के अन्य साथियों को भी पुलिस इस गैंग चार्ट में शामिल करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।